हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एंड मैथ्स जोन में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जंतु उत्तक। ठीक है, इससे पहले मैंने पादप उत्तक पढ़ा दिए हैं। पादप उत्तक के जो भी पार्ट्स थे वो सभी क्लियर कर दिए गए हैं और उसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे पादप उत्तक के प्रकार, पादप उत्तक के क्या क्या भाग हैं। ठीक है, जैसे स्केलर काइमा, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, एपिकल, इंटरकैलरी, जाइलम, फ्लोएम, इन सब बातों पर चर्चा की गई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जंतुओं के उत्तक के बारे में। ठीक है, जंतुओं में उत्तक को देखने से पहले हम थोड़ा सा परिभाषा पर चर्चा करते हैं कि आखिर क्या होता है परिभाषा उत्तक का। ठीक, तो कार्य, उत्पत्ति एवं संरचना। कार्य, कार्य, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि, संरचना की दृष्टि से कार्य, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से, यहां पर समान लगा देंगे, एक समान समान कार्य, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से कोशिकाओं, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, मतलब कि उत्तक क्या है, तो कोशिकाओं का वैसा समूह, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कोशिकाओं का वैसा समूह जो कार्य, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से समान होते हैं। ठीक है, कार्य, उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें त्वचा, चमड़ी है। ठीक है, तो त्वचा जो है इसकी सभी कोशिकाएं एक जैसी होंगी। ठीक है, इसकी सभी कोशिकाएं क्या होंगी, समान होंगी। यह एक उत्तक है, त्वचा क्या है, एक उत्तक है, तो यह उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है, तो यह भी तो कोशिकाओं का एक समूह होगा। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि इसका कार्य क्या है, समान है। कार्य क्या है, समान है। त्वचा का कार्य है कि बाहर से संक्रमण को रोकना, अंदर भीतरी अंगों की रक्षा करना, ठीक है, पसीना को बाहर करना ना, तो इन सब चीजों का कार्य। और संरचना, सभी जगहों पर त्वचा की संरचना एक जैसी है। ठीक है, तो इस तरह से अगर यह समान है, ये कोशिकाएं समान है, अतः हम क्या कहेंगे, इन कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे। अलग अलग अंगों की उत्तक अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अगर हम हृदय में देखें तो पेशियां होती है, वहां पर पेशी उत्तक से बने होते हैं हृदय। अगर हम देखें त्वचा, अलग तरह की कोशिकाओं का समूह बना होता है। अगर हम हड्डियों को देखें, अस्थियों को, तो वह अलग तरह के कोशिकाओं का एक समूह है, अलग तरह का उत्तक है। अगर हम रक्त देखें तो रक्त क्या है, वह भी एक अलग तरह का उत्तक है, उसकी कोशिकाएं भिन्न है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अलग अलग कोशिकाएं के जो समूह होते हैं वो अलग अलग तरह के उत्तक बनाते हैं। तो उत्तकों के प्रकार देखेंगे हम, क्या देखेंगे, उत्तकों के प्रकार, और खासकर किस उत्तक के, तो जंतु उत्तक के प्रकार। चलिए, जंतु उत्तक के प्रकार में हम सबसे पहले देखते हैं, यह एनिमल जंतु उत्तक का पार्ट वन होगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जंतु उत्तक चार भागों में बटा होता है, चार भागों में। पहला भाग होता है एपिथीलियम उत्तक। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं उपकला उत्तक। हिंदी में क्या कहते हैं, उपकला उत्तक, एपिथीलियम। सबके बारे में विशेष चर्चा होगी, पहले हम इसको एक लाइन से समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान्य जानकारी ले लेते हैं। एपिथीलियम उत्तक, एपिथीलियम और उपकला उत्तक जो है वो क्या करते हैं कि शरीर के सतह को बनाते हैं, चाहे वो भीतरी सतह या बाहरी सतह। तो भीतरी सतह, जैसे मान लीजिए कि ये हाथ है, इतना ये भाग है, अब ये त्वचा है अगर, तो इसका एक भीतरी स्तर भी होगा और बाहरी स्तर भी होगा। तो भीतरी और बाहरी स्तरों पर जो उत्तक पाए जाएंगे उन्हें कहते हैं एपिथीलियम उत्तक। क्या कहते हैं, एपिथीलियम उत्तक। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी नलियां गुजरती है, जैसे रक्त वाहिनियां, रक्त को ले जाने के लिए नस, ठीक है, वेन्स, आर्टरीज, मतलब कि धमनी, सीरा, भोजन को ले जाने के लिए आहार नाल, तो ये सब पाइप है। तो पाइप का एक स्तर होगा, भीतरी स्तर और बाहरी स्तर। तो इन स्तरों का निर्माण जो है वो एपिथीलियम उत्तक से होता है, उपकला उत्तक से होता है। क्लियर, तो ये उपकला टिश्यू है। अगर हम बात करें कि एपिथीलियम उत्तक चार प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, चार प्रकार के, सलकाम, स्तंभाकार, घनाभाकार और पक्षमाभि। ठीक है, बात करें तो सलकाम जो होते हैं
इन सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। एपिथेलियल ऊतक को जब हम पढ़ेंगे तो विशेष रूप से इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा होगी, और ये ऊतक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सभी ऊतक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन बातों की भी चर्चा होगी अगले वीडियो में। तब तक हम ये सब समझते हैं, इस वीडियो में इसको हम समझाएंगे आज इस वीडियो में। चलिए संयोजी ऊतक, तो संयोजी ऊतक की बात करें तो संयोजी ऊतक नाम से ही लगता है, कनेक्टिव टिश्यू, मतलब नाम से भी लगता है कि यह जोड़ने वाला ऊतक होगा। जैसे आप समझिए कि हड्डी और मांस जुड़े हुए हैं, मांस और चमड़ी जुड़े हुए हैं, है ना, ये नाखून भी मांस से जुड़ा हुआ है, इस तरह से मतलब कि शरीर के सभी अंग आपस में जुड़े हुए होते हैं। तभी तो सोचिए यहाँ पर हृदय है, यहाँ पर फेफड़ा है, और नीचे आते हैं यहाँ छोटी आंत है, यकृत है, ये सभी अगर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, सही से मतलब बंधे हुए नहीं होते तो क्या होता, हम अगर उल्टा लटकते, अगर हम हाथ पर खड़े हो जाते तो लीवर नीचे चला जाता घसक करके, फेफड़ा इधर आ जाता, हृदय की स्थिति अलग अलग हो जाती ना। तो इन सबों को अंदर बांध करके रखने की आवश्यकता होती है, जोड़ करके रखने की आवश्यकता होती है, और इन अंगों को, भीतरी अंगों को जोड़ करके रखने का जो कार्य है वो संयोजी ऊतक करता है। या सपोज कीजिए हम भोजन करते हैं, पचता है यहाँ पेट में, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो क्या छोटी आंत से फिर भोजन आगे भी तो जाना चाहिए, पैर में जाना चाहिए, हाथों में जाना चाहिए, सभी जगहों पर जाना चाहिए, तो वो भी एक क्या है, रक्त द्वारा वे सभी जुड़े हुए होते हैं। हड्डी क्या करता है, सभी को जोड़ करके रख रहा है। तो इस तरह से इसमें हम बहुत सारे ऊतकों की चर्चा करेंगे और इसको एक वीडियो में लेंगे। तो संयोजी ऊतक के मूल रूप से तीन प्रकार होते हैं, संयोजी ऊतक दूसरा प्रकार है। अगर हम पहले प्रकार की बात करें तो वास्तविक संयोजी ऊतक, जिसमें एलियोलर, एडिपोज, श्वेत तंतु में, पीला तंतु में और जालवत, ये शरीर के अंदरूनी अंगों को, अंदर के अंगों को जोड़ करके रखने का कार्य करते हैं। कौन? एरियोलर, एडिपोज, श्वेत तंतुमय, पीला तंतुमय, जालवत। उसके बाद बात करें कि दूसरा पार्ट है, मतलब संयोजी ऊतक का दूसरा प्रकार है कंकाल ऊतक, मतलब अस्थि, स्केलेटन, जो क्या करता है कि हड्डी और उपास्थि के रूप में होता है, अस्थि और उपास्थि के रूप में, यह भी पूरे अंग को जोड़ करके रखते हैं। जैसे हमारे हाथ और पैर जुड़े हुए हैं, या मतलब हमारे पैर हमारे शरीर से जुड़े हुए, हमारे हाथ हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, ये सब क्या है, तो कंकाल ऊतक के कारण ही एक ढांचा बना है शरीर का और जुड़े हुए हैं। फिर बात करें हम तो इसमें अस्थि और उपास्थि को पढ़ेंगे। अगला है, तीसरा प्रकार है संयोजी ऊतक का तरल संयोजी ऊतक, अर्थात बहने योग्य संयोजी ऊतक, वैसा संयोजी ऊतक जो बह सकता है। तरल का क्या होता है, बहने योग्य। तो यहाँ पर रक्त और नसिका, ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं हम पेशी ऊतक, मतलब कि मांसपेशियां। आप जानते हैं कि हमारे शरीर की जो संरचना है वो भरी हुई क्यों होती है, मांसपेशियों के कारण, ठीक है, और मांसपेशियों में ऊर्जा होता है, ऊर्जा होती है। तो उन सब चीजों के बारे में, मांसपेशी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। पेशी ऊतक भी तीन प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक का तीसरा प्रकार है रेखित, अरेखित और हृदय पेशियां। हृदय विशेष तरह की पेशियों से बना होता है, इसलिए हृदय पेशियों को अलग तरह से हम पढ़ेंगे। ये रेखित और अरेखित दोनों तरह से मिलकर बने होते हैं, और ये अथक पेशियां होती है, मतलब हृदय की पेशियां जो होती है वो अथक होती है। अथक मतलब कभी न थकने वाली, आप जब तक जीवित रहेंगे हृदय में संकुचन और शीतलन होता रहेगा, है ना, तो वो थकती नहीं है कभी। शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है, तो हृदय, क्योंकि वो कब हमेशा कार्य करता है। आगे तो ये प्रकार हुआ है। अब तंत्रिका ऊतक चौथा प्रकार, जंतु ऊतक का चौथा प्रकार क्या है, तंत्रिका ऊतक। यह भी हमारे शरीर को एक तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान में सहायता देता है। जैसे आपको पैर में चोट लगी, तो वह चोट लगी है पैर में लगी, इसकी सूचना वहां से मस्तिष्क तक आती है, तो इसको वहां से सूचनाओं को लाने का कार्य किसने किया, तंत्रिका ऊतक ने, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि इस हाथ से इसको छूना है, तो हमने दिमाग में पहले सोचा कि हाँ छूना है, अब यहां से एक आवेग गया जो हाथों को कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है, तब हाथ त्याग करके कार्य करता है। तो ये हाथ के पास जो इतनी, यहां से हम सोच रहे हैं हाथ कार्य कर रहा है, ये सूचनाएं जाती है, उसके बाद यह एक आवेग जाता है, तब यह कार्य करती है। तो यह आवेग जाता किसकी सहायता से है, तो तंत्रिका ऊतक से, किसे, तंत्रिका ऊतक से। तो इनके बारे में भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम करेंगे एपिथेलियल ऊतक के बारे में, सर्गाप, स्तंभाकार, घनावाकार, पक्षमानी। चलिए इसको मिटाते हैं, देखते हैं
उपकला या एपिथेलियम ऊतक के बारे में कि एपिथेलियम ऊतक क्या होता है, ठीक है। तो एपिथेलियम ऊतक या उपकला ऊतक वैसा ऊतक है, आप यहां पर परिभाषा देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि वैसा ऊतक जो शरीर के अंगों का बाहरी तथा भीतरी स्तर बनाता है उसे एपिथेलियम ऊतक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे शरीर का कोई भी आप अंग ले लीजिए, उसका एक आवरण होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे त्वचा है, तो हमारे शरीर का ऊपरी त्वचा का एक स्तर है, ठीक है, एक सतह है। तो उस सतह का निर्माण जिन ऊतकों से होता है, चाहे बाहर या भीतर के कोई अंग, जैसे फेफड़ा ही है, तो फेफड़ा का जो मतलब कि सतह होगा, पेशी होगा, उसका एक भीतरी सतह होगा, एक बाहरी सतह होगा। तो वह जो सतह बना हुआ होता है जिन ऊतकों से, उन्हीं ऊतकों को हम कहते हैं एपिथेलियम या उपकला ऊतक, ठीक है, एपिथेलियम या उपकला ऊतक, ठीक है। अब इस तरह से परिभाषा क्लियर हो गया। उपकला या एपिथेलियम टिश्यू से होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। अगर हम शरीर के अंगों में देखें, स्तरों के, उनकी संरचना के हिसाब से, उनके कोशिकाओं के हिसाब से देखें, तो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सल्की एपिथेलियम ऊतक, ठीक है, एस्क्विमस एपिथेलियम, स्तंभकार एपिथेलियम ऊतक। सॉरी, यहां पे क्या हुआ है कि फिगर भी इसको देख लेंगे आगे हम, चलिए समझाते टाइम इसको कवर कर लेंगे। अगला क्या, स्तंभकार ऊतक। तो स्तंभकार ऊतक या कॉलमनर एपिथेलियम। अगला घनाभाकार क्यूबॉइडल एपिथेलियम, पक्षमाभि मतलब सिलिएटेड एपिथेलियम। अब हम ध्यान देंगे, एक एक को फिगर वाइज समझेंगे और इसके स्थानों को देखेंगे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कोशिकाएं कैसी होती है, इनको समझेंगे। और फिगर वाइज अगर आप समझ लेते हैं तो आप नहीं भूलिएगा। इसको मैंने इसलिए पहले लिख दिया क्योंकि यही सब पॉइंट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आप इसको समझ जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा परीक्षा में, चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन पूछ ले। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सल्की एपिथेलियम ऊतक, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सल्क, जैसे मछली के शरीर के ऊपर आप सल्क देखते हैं ना, चोइटा जिसको कहते हैं, तो वह सल्क है। तो कैसा होता है? चिपटा होता है ना। तो इस तरह से चिपटी कोशिकाएं के कोशिकाओं से अगर कोई एपिथेलियम ऊतक बना हुआ है, मतलब वैसा एपिथेलियम ऊतक जिसकी कोशिकाएं चपटी होंगी, उसके केंद्रक जो होंगे वो भी चपटे होंगे, तो उन्हें हम कहेंगे सल्की एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। अर्थात सल्की एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं जो होती है वो चपटी होती है और उनका केंद्रक भी चपटा होता है, मतलब कि कोशिकाएं किसकी, सल्की एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती है। कैसी होती है? चपटी एवं केंद्रक भी चपटा होता है, ठीक है। इन कोशिकाओं के मध्य जो कोशिका का के बीच का जो स्थान है, अंतर कोशिकीय स्थान, वो 9 के बराबर होता है। ये सभी कोशिकाएं आपस में बिल्कुल सटी हुई होती है, ये सभी कोशिकाएं आपस में बिल्कुल क्या होती है, सटी हुई होती है, ठीक है। इनके कोशिकाओं, अगर हम सल्की एपिथेलियम ऊतक को ध्यान से देखें तो दीवार में सजी हुई ईंटों की तरह दिखाई देंगे, ये एकदम सजी हुई ईंटों की तरह जैसा मैंने बनाया है वैसा दिखाई देता है। इनके मध्य में एक केंद्रक होता है जो भी चपटा होता है। अब ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं और कार्य क्या करते हैं, ये देखिए। त्वचा की बाहरी परत, हमारे शरीर की जो त्वचा है, इसका जो बाहरी परत है ये कई स्तरों में बना हुआ है। जैसे त्वचा का बाहरी परत कई स्तरों में बना हुआ है, ठीक है, इसलिए इनको स्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक, लेयर्ड, कई लेयर बने हुए हैं। अब आगे, ये त्वचा की बाहरी परत पर मुख गुहा, मुख के जो भीतरी स्तर है, मुख गुहा का जो भीतरी स्तर है वह भी किससे बना है? सल्की एपिथेलियम ऊतक से। जीवा, जीव का जो ऊपरी परत है या भीतरी परत। ग्रसनी, ग्रसनी का अर्थ होता है जिससे हम भोजन निकलते हैं, यहां से यहां पाइप होगा ना, अमाशय में भोजन जाता है, हम चबाते हैं तो अमाशय में भोजन जाता है। तो जब भोजन अंदर जाता है तो यहां से यहां एक पाइप होगा ना, जिससे एक नली होगी जिससे जाती है, तो उसी नली को हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। तो उसका
अस्तर भी किससे बना होता है? शल्कीय पितरीय ऊतक से। आहार नाल मतलब ये भोजन जो जा रहा है यहाँ से अमाशय में, अमाशय की भीतरी दीवार में, फिर उसके बाद आगे छोटी आंत बड़ी आंत, तो इन सब का जो बाहरी स्तर होगा ठीक है वो किससे बना होगा? शल्कीय पितरीय ऊतक से। रक्त वाहिनियों के स्तर, जो रक्त वाहिनियां जैसे मान लीजिए ये रक्त वाहिनियां है, तो इसका भी स्तर जो होगा वो किससे बना हुआ होगा? तो ये बना हुआ होगा किससे? शल्कीय पितरीय ऊतक से। फेफड़ों के वायु कोष ब्रोंकाई मतलब एल्विओली मतलब ब्रोंकाई जो होते हैं वायु कोष जो होते हैं फेफड़ों के, जिससे वायु बाहर जाते हैं और अवशोषित किए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी किससे बने होते हैं? शल्कीय पितरीय ऊतक से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछा जाता है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है और आपको समझा भी दूंगा, आपको याद रहेगा। तो इन सब जगहों पर कौन से ऊतक पाए जाते हैं? शल्कीय पितरीय ऊतक। अब अगला एपिथेलियम मतलब अगला एपिथेलियम है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक ठीक है। अब हम बात करते हैं स्तंभाकार ऊतक के बारे में, मैंने फिगर बदल दिया है। अब ध्यान दीजिएगा स्तंभाकार ऊतक नाम से ही क्लियर हो रहा है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक, वैसे एपिथेलियम ऊतक जिनकी कोशिकाओं का आकार जो होता है वो स्तंभ के समान होता है, स्तंभ मतलब खंभा कॉलम, तो देखिए ये खंभों के समान आकृति वाली कोशिकाएं हैं, अतः इनको नाम दे दिया गया स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। अगर हम बात करें तो ये इनकी कोशिकाएं स्तंभ के समान लंबी होती है ठीक है, लंबी लंबी कोशिकाएं होती है, मध्य में एक स्पष्ट केंद्रक होता है ठीक है, और इनका जो ऊपरी सतह होता है उस पर छोटे रसांकुर होते हैं, सूक्ष्म रसांकुर होते हैं माइक्रो विलाई, माइक्रो विलाई मौजूद होते हैं ठीक है। इनका कार्य भी आगे हम समझाते हैं, ये किसी पदार्थ के अवशोषण या श्रवण का कार्य करते हैं ठीक है, ये किसी पदार्थ के को अवशोषित करने या श्रावित करने में सहायता करते हैं ये जो माइक्रो विलाई है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो छोटी आंत में पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि भोजन जब पूरी तरह से पच जाता है तो कहाँ जाता है? छोटी आंत में, छोटी आंत में ही पूरा पाचन होता है, उसके बाद भोजन फिर वहां से अवशोषित होकर के पूरे शरीर में फैलता है ठीक। तो वहां पर कौन सी ऊतक होते हैं या कौन सी एपिथेलियम ऊतक होते हैं? तो स्तंभाकार या इंग्लिश में कॉलमनर। अब आगे हम बात करें, याद रखेंगे कि ये अवशोषण और श्रवण का कार्य करते हैं, और किस ऊतक के या किस एपिथेलियम ऊतक के ऊपरी सतह पर स्वतंत्र सिरों पर सूक्ष्म रसांकुर मौजूद होते हैं? तो स्तंभाकार के ऊपर, क्लियर। अब बात करेंगे घनाभाकार ठीक है, क्यूब के समान, क्यूबॉइड, घनाभ के आकार की, तो घनाभ के आकार की कोशिकाओं से जब एपिथेलियम ऊतक बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक ठीक है। और इनमें स्पष्ट गोल केंद्रक होता है, तो हम कह सकते हैं कि वे एपिथेलियम ऊतक जो घनाभ के आकार की होती है और उनके मध्य में गोल केंद्रक पाया जाता है ठीक है, उसे घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक कहेंगे ठीक है। ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? तो ये मूल रूप से ग्रंथियों में मौजूद होते हैं ठीक है, कहाँ मौजूद होते हैं? ग्रंथियों में, जैसे लार ग्रंथि जो कि यहाँ पाया जाता है टाइलिन या आगे, उसके बाद श्वेत ग्रंथि जिससे पसीना निकलता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस ग्रंथि से पसीना स्रावित होता है तो श्वेत ग्रंथि से ठीक है, श्वेत ग्लैंड। वृक्क नलिकाओं में, किडनी की नलिकाओं में जो उत्तक होता है अस्तर बनाने वाला, सतह बनाने वाला, वो क्या होता है? कौन सा? तो घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक, क्लियर। इसमें कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट था नहीं। अब बात करते हैं, यहाँ पर ये इंपोर्टेंट है पक्षमाभि एपिथेलियम ऊतक, सिलिएटेड एपिथेलियम। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब स्तंभाकार ऊतक के स्वतंत्र सिरों पर सिलिया पाई जाएगी, क्या पाई जाती है? सिलिया, इसको सिलिया कहते हैं, क्या कहते हैं? सिलिया या पक्षमाभ कहते हैं, क्या कहते हैं? पक्षमाभ या इंग्लिश में सिलिया कहते हैं। तो जब स्तंभाकार ऊतक के स्वतंत्र सिरों पर सिलिया मौजूद होंगे तब हम उसे कहेंगे सिलियरी एपिथेलियम ऊतक, क्या कहेंगे? सिलियरी एपिथेलियम ऊतक। और ध्यान देंगे ये कहां कहां मौजूद होता है, तो ये ट्रेकिया में मौजूद होते हैं। ट्रेकिया क्या है? तो ट्रेकिया है ये, हम सांस लेते हैं, ये ट्रेकिया नहीं है, हम सांस लेते हैं तो वायु एक दूसरे नली के द्वारा, यहाँ पर दो नलियां होती है, एक भोजन को अंदर ले जाती है और एक नली वायु को फेफड़ों में ले जाती है, तो वायु को जो फेफड़ों में ले जाती है जो नली, उसी नली को, उसी पाइप को हम कहते हैं ट्रेकिया या श्वास नली। ट्रेकिया को हिंदी में क्या कहेंगे? श्वास नली कहेंगे।
ठीक है, श्वसन नली। तो श्वसन नली के भीतरी स्तर जो होगा, मतलब कि सांस लेने वाली जो ये भीतरी जो स्तर होगी वो कैसी होगी, तो सिलियरी एपिथेलियम ऊतक। कैसी होगी? सिलियरी एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। और ये क्या कार्य करती है, तो ध्यान से समझिए, ये कार्य करती है धूल कणों को रोकती है। हम सांस लेते हैं तो बहुत सारा धूल कण आता है ना, हम सांस लेते हैं तो नाक में बाल होते हैं, वो धूल कणों को रोकते हैं, फिर अंदर जाते हैं तो श्लेष्मा निकलता है, वो श्लेष्मा क्या करता है कि धूल कणों को अपने में चिपका लेता है, और आगे जाते हैं तो ये सब सिलियरी मांसपेशियां हैं, यह क्या करती है कि धूल कणों को रोक देती है, एक तरह से फिल्टर कर देती है, छान देती है। तो धूल कणों को रोकने के लिए ये सिलियरी मांसपेशियां लगी होती कहां? श्वास नली में। उसके बाद अंडवाहिनी में, ठीक है। ध्यान देंगे थोड़ा सा हम यहाँ पर मादा जनन तंत्र को, बस छोटा सा भाग देखते हैं। सपोज करते हैं कि यह मादा जनन अंग है, यहां पर होता है अंडाणु और इसे कहते हैं क्या, अंडाशय, ठीक है। और यहां से एक नली आती है पाइप, जो यहां से अंडाणुओं को ले जाती है कहां, गर्भाशय में। इधर भी सेम वैसी संरचना होती है, ठीक है। अब ये गर्भाशय है और यहां से अंडाणु यहां से चल करके जाते हैं, तो यहां पर इसके अंदर की जो कोशिका, मतलब कि उत्तक जो होते हैं, इसके अंदर का जो स्तर होता है, ठीक, वो बना होता है किससे, पक्षमावी एपिथीलियम से, सिलिएटेड एपिथीलियम टिश्यूज से। क्योंकि यहां पर ये पक्षमाव जो होते हैं, ये जो सिलिया होते हैं, वो एक मुलायम स्थान प्रदान करते हैं, ठीक है, जिससे अंडाणु को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ये आसानी से जाता है यहां से, यहां से, ठीक है। और इसके भीतर भी ध्यान देंगे, गर्भाशय के भीतर भी जो उत्तक होता है, उस उत्तक में भी सिलिया मौजूद होते हैं, मतलब यहां भी सिलियरी या सिलिएटेड एपिथेलियम उत्तक होता है, ठीक, जिससे यहां जब अंडाणु आएगा तो उसे एक बेहतर स्थान मिल पाए, ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए ये एकदम मुलायम गद्दीदार जगह प्रदान करता है। क्यों? सिलिया की उपस्थिति के कारण। तो गर्भाशय के भीतरी स्तर में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि गर्भाशय के भीतरी स्तर पर कैसा एपिथेलियम उत्तक मौजूद होता है, तो पक्षमावी या सिलिएटेड एपिथेलियम उत्तक। और बात करें कि यहाँ पर अंडवाहिनी में जो अंडे को बहा करके, मतलब कि वहा करके ले जाता है, धो करके ले जाता है अंडा गर्भाशय तक, उसके भीतरी स्तर पर भी कौन सा, तो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज। तो आपने एपिथेलियम या उपकला उत्तक को बेहतर तरीके से समझ लिया है, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किन उत्तकों में, ठीक है। इन सबको समझने के बाद अगला आता है संयोजी उत्तक के बारे में समझेंगे, और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।